डियर स्टूडेंट, कल हमने टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स देखा था। तो हमने जो है कल टिक द करेक्ट आंसर में एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, दिया है द इमरजेंस ऑफ रूट इज टेपिकली यूज एज फर्स्ट ब्लैंक दैट अ सीड इज वायबल। तो इसका मतलब ये है कि जो है जड़ का उभरना यानी निकलना ये क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन है, ना कि जो है केयर है। वो क्या है आपका, फर्स्ट इंडिकेशन है। तो जो है टिक द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 द इमरजेंस ऑफ द रूट, इसमें जो है आप जो है इंडिकेशन फील करेंगे। क्या इंडिकेशन, इंडिकेशन पर टिक करेंगे। केयर को जो है इरेज कर लें, केयर को हटा लें, केयर गलत हो जाएगा। तो आज हमें देखना है ट्रू फॉल्स। चलिए आज हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। द सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दियर स्पोर्स। तो आपको पता है कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो बीजाणु द्वारा यानी स्पोर्स के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट आपका ट्रू है। अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड की बात करें तो आपका सेकेंड दिया है सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड मस्ट बी हैवी। तो जो आपके बीज होते हैं जो हवा के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, हवा के द्वारा जो है डिस्पर्सल होता है जिनका, उनको जो है हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, फास लगाएंगे, हवा में वही बीज उड़ सकते हैं, वही बीज जो है मूव कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं, जो कि वजन में वेट में हल्के हों। तो ये आपका नंबर 2 फॉल्स है। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड आपका दिया है द साइज ऑफ सीड इज इंपॉर्टेंट फॉर दियर डिस्पर्सल। तो आपको पता है किसी भी सीड के डिस्पर्सल के लिए उसका साइज मैटर करता है, मायने रखता है। यदि उसका साइज हल्का रहेगा तो और ज्यादा मतलब एयर के द्वारा डिस्पर्सल होगा, और भारी रहेगा तो आपका वाई वाटर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है उसका साइज डिपेंड करता है, डिस्पर्सल के लिए जो इसका साइज डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थर्ड को ट्रू करेंगे। अब नंबर 4 दिया है इंबिशन मींस टू ड्रिंक सीड इम्बाइब वाटर। तो आपको पता है इंबिशन का मतलब यही है, जो सीड होता है वो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ड्रिंक वाटर को ड्रिंक करता है। तो ये आपका जो है बिल्कुल ही ट्रू होगा, नंबर 4 आपका ट्रू, यही होता है इंबिशन। तो नंबर 5 आपका दिया है कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाय एयर। तो आपको पता है जो कोकोनट है वो जो है आपका एयर के द्वारा नहीं, बाय वाटर डिस्पर्स होता है, बाय वाटर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफाइन ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट को डिफाइन करना है। तो आपका आंसर होगा अ थिक, आंसर नंबर फर्स्ट आपका होगा अ थिक एंड फ्लेसी ट्यूबर
बट विदाउट बर्ड्स इज कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स, इट्स कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, दिया है आपका डिफाइन, आपका क्वेश्चन नंबर टू दिया है डिफाइन मोनोकोटिलेडंस। तो मोनोकोटिलेडंस को आपको डिफाइन करना है, तो आप लोग आंसर देखेंगे। Have only one cotyledons. Have only one cotyledons. Such seed are called तो आज हम इतना देखेंगे, बाकी के आंसर क्वेश्चन आंसर को हम कल ट्राई करेंगे।